किशोर भाई जी भाई हेलो हेलो भाई सर आवाज आ रही आ रही आप आखिरी कॉलर है बस आपसे बात करनी है अब और बाकी किसी से बात नहीं होगी अब सर पिछले हफ्ते आवाज नहीं आ रही थी सर वो आपका हेडफोन का मसला था थैंक यू वेरी मच सर लेने के लिए सर सर एक चीज पूछनी है सर एक जनरल कॉन्सेंसस है इंटेलेक्चुअल्स में और आप भी इस पॉइंट को डिस्कस करते हो कि जो सोसाइटी है जैसे इंडिया है अंडर डेवलप्ड कंट्री है मैं इंडिया से हूं ना तो इंडिया को डेवलप होने के लिए सोसाइटल पैरामीटर्स पे भी अच्छा होना पड़ेगा जैसे कि वुमेन राइट्स को अच्छा करना पड़ेगा एलजीबीटी को अच्छे राइट्स देने पड़ेंगे पर सर मैं भी इस चीज में मानता हूं सर लेकिन मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि सर इस मामले में मुझे अमेरिका एनोमली रखता है सर क्योंकि अमेरिका में जेंडर सिग्रीगेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1970s तक मेनस्ट्रीम था सर वो डेवलप पहले हुए थे सर और ये सोसाइटल चेंज उनमें बाद में आए सर तो सर क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव में सर हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले हमें डेवलप हो जाना चाहिए फिर उसके बाद ये सोसाइटल प्रोग्रेसिव थीम्स लानी चाहिए क्योंकि सर कई बार जो है ना दूसरे जो जैसे पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया या गल्फ कंट्रीज के लोग जो है ना फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ताना मारते हैं कि तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो तो सोमालिया वाली है इंडियंस के लिए लेकिन तुमने जो प्रोग्रेसिव ला रहे हो जैसे कभी कभी इंडिया में थोड़े बहुत स्टेट्स में ना एलजीबीटी के लिए कुछ स्पेशल बोल आते हैं प्रोविजंस तो ये कहते हैं कि तुम्हारी इकोनॉमी सर वो एक पॉइंट मारते हैं तुम्हारी इकोनॉमी तो है सोमालिया लेकिन तुम्हारे प्रोग्रेसिव जो है रूल्स वो नॉर्वे जैसे है तो ये कह रहा हूं ये जो कहते हैं ना जो लोग ये बात करते हैं वो जाहिल लोग हैं आपको उनको सुनने की जरूरत नहीं है अगर कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नॉन बांग्लादेशी मुस्लिम ये इधर के जो है उनको ज्यादा ही होता है अगर पाकिस्तानी या अफगानी आपको ताने मारेगा लेक्चर देगा ना कि तुम्हारे सोशल स्टैंडर्ड तो जी ऐसे हैं जैसे नॉर्वे जैसे हैं तो भाई ये आपकी अच्छी बात है ये आपकी उनसे बेहतरी की बात है आपने एक एग्जाम्पल दी आजकल ये आइडिया बड़ा फ्लोट किया जा रहा है इंडिया में कि जी जेंडर सेग्रीगेशन थी 60s और 50s में अमेरिका में 70s में रेशियल सेग्रीगेशन थी वगैरह वगैरह तो हमारे जो फॉल्ट लाइंस हैं लेट्स जस्ट से कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन है जो जो भी है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो पहले हम उनको करेंगे तो फिर होगा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस जमाने में भी अमेरिका और जो वेस्ट था वो बाकी दुनिया से आगे ही था सोशल स्टैंडर्ड्स में और चूंकि अमेरिका इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है क्योंकि सारे इकट्ठे नहीं उठ सके थे बिकॉज रेशियल सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा थी तो आप उसका नतीजा देखें कि जो जो ये जो ब्लैक्स का जो एक जो पूरा एक, एक, एक जो रेसिज्म का जो प्रॉब्लम है वो मल्टीलेयर्ड प्रॉब्लम है रोनाल्ड रेगन ने उनको अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत पैसा बीच में फेंका लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अगर जब एक स्पेसिफिक कौम को पीछे रखा तो उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं वो और अगेन वो जो 50s और 60s का जो अमेरिका जो लेट्स जस्ट से जो अमेरिका की जो ग्रोथ हुई थी वो टर्न ऑफ द सेंचुरी पे हुई थी या द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी हुई थी उस वक्त तो स्याह फाम इतना नीचे थे कि वो उस वक्त इंसान भी नहीं माने जाते थे ये मैं 1890s की और फिर 1910-20s का जो बूम आया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ तब तो आपको स्याह आम लोग नजर ही नहीं आते थे मतलब अभी उनको तो आजाद हुए भी 50 साल हुए थे तो इसलिए लेकिन फिर भी वो सोशल वैल्यूज में बाकी मुल्कों से आगे थे अब उनको औरतों को सब वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट शुरू हो गई थी औरतों के जो राइट्स थे पहले से बेहतर थे और हो रहे थे और कॉन्स्टेंटली प्रेशर आ रहा था ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी 1940s में या 50s में औरतों को ऑस्ट्रेलिया में पब जाने की इजाजत मिली थी अकेले उससे पहले वो जा भी नहीं सकती थी और बीच में जाने की बिकिनी पहन के बीच पे जाने पे की भी 1930s में थी और अकेली मेरा ख्याल बाद में आई थी इजाजत 50s में या समथिंग लगता है तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी लेकिन इवन बाय दैट स्टैंडर्ड उस वक्त बाकी दुनिया से फिर भी वो आगे थे तो इसलिए ये कोई बीमार नहीं है कि आप जी अभी दबा लें पहले हम तरक्की नहीं होगी वाई क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रह जाएंगे पीछे जो जिनको आप वो मुआशरा चल ही नहीं सकता जो डिस्क्रिमिनेट हुए होंगे कैसे हो सकता है ये तो मैं तो इसलिए कहता हूं कि इंडिया जैसे मुल्क में वो जो कोटा सिस्टम है इवेंचुअली उसको खत्म होना चाहिए क्योंकि वो इन्होंने इसलिए रखा हुआ कि क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन रही है लेकिन इवेंचुअली उसको खत्म होना चाहिए तो
ये कोई अच्छा तरीका है इसका। और ये जो अगर कोई पाकिस्तानी या वहानी आपको कहता है यार ये कोई इन लोगों की बात को सीरियस लेने वाली बात है, इनको कहो जाके तुम करो भाई अपनी औरतों को डका लगाओ बुरके लगाओ, तुम कौन होते बात करने वाले। सर आपकी बातें सुन के, सर मैं काफी सालों से आपकी बातें सुन रहा हूँ ना सर, सबसे ज्यादा मुझे अपने आप में डिफरेंस यही लगा है, जो आपका एक थीम पॉइंट है ना सर, मेन पॉइंट जो आपकी बातों का थीम होता है वो ये होता है कि किसी आइडिया को या किसी रिलीजन को मारने का तरीका हथियार नहीं है, आइडियाज ही हैं। Absolutely. पहले मैं ये समझता था सर कि कोई भी रिलीजन हो अपने इंडिया में जो आवाज उठा रहा हो, अपनी कट्टरता बढ़ा रहा हो, तो उस पर फौज छोड़ देनी चाहिए, पहले मैं ये सोचता था। लेकिन सर आपको सुनने के बाद समझ में आया सर कि ये कि मतलब आइडियाज लाओ उनके विरोध में, उनके जो अपोज में आइडियाज लाओ, जैसे समझ रहे हो हिंदूज के लिए एक्स हिंदू लाओ, हिंदुइज्म को खत्म करना है तो, है ना इस टाइप का। Exactly. और आपने एग्जांपल दिया था ना सर रशिया का, सोवियत रशिया का, कि उन्होंने लाखों की तादाद में क्रिश्चियंस को ऑर्थोडॉक्स को मारा था, लेकिन आज फिर से क्रिश्चियन उठ खड़े हुए वहां पे। Yeah. सर मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो आइडियाज दिए हमें सर चार सालों में पिछले। और सर एक और चीज सर, आपका जो कॉमेडी वाला पार्ट है ना सर, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है सर, कभी कभी आप कॉमेडी कर देते हो। जैसा सर मैं एक मिमिक्री करूंगा आपकी, ए वेकी बशीरे मैं हारी सुल्तान हूं जाकर हैरी पॉटर कमाऊंगा। हाँ वो जो शॉट पड़े, हाँ मुझे वो से आ गया हैरी पॉटर। वो बेचारा आप सारा दिन सोच के पूरा हफ्ता उसने इंतजार किया तो आया इधर तो कहता हैरी पॉटर। वो जुगत मार कोई 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 टांट कस मैनू हैरी पॉटर। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।